अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां लिव इन में रह रही ब्यूटीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ब्यूटीशियन सिक्किम की रहने वाली थी। उसकी बॉडी में कांच और चाकू से वार के घाव हैं। बॉयफ्रेंड ने उसके सुसाइड का दावा किया है। दोनों 1 महीने से लिव इन में रह रहे थे। शनिवार रात दोनों ने ड्रिंक किया। इसी बीच बॉयफ्रेंड के मोबाइल पर किसी अन्य लड़की का कॉल आया, वह उससे बात करने लगा। ब्यूटीशियन के बॉयफ्रेंड ने बताया, वह नशे की हालत में बेकाबू हो गई। मेरे साथ मारपीट करने के बाद घर के सामान में तोड़फोड़ की। मैं फोन पर बात करते हुए दूसरे कमरे में चला गया और कुंडी लगा ली। थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखा तो उसने कांच की बोतल और चाकू से खुद को जख्मी कर लिया था। उसे हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मूलतः सिक्किम की रहने वाली प्रेमा लांबा उम्र 24 वर्ष ब्यूटीशियन थी। वह रोहित नगर में ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। साल भर पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती सहडोल निवासी हर्ष के सरवानी से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। महीने भर पहले ही दोनों ने इंद्रपुरी पिपलानी में किराए पर फ्लैट लिया था। लड़की के परिजन भोपाल में नहीं होने की वजह से अभी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। उसके बॉयफ्रेंड से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेमा इससे पहले दिल्ली में जॉब करती थी। 1.5 साल पहले ही वह भोपाल आई थी। पिपलानी इलाके में रहकर रोहित नगर में स्पा सेंटर में जॉब करती थी। बॉयफ्रेंड हर्ष निजी कॉलेज से बीफार्मा की पढ़ाई कर रहे थे। हर्ष के परिजनों को प्रेमा के बारे में जानकारी नहीं थी। हर्ष का प्रेमा के अलावा एक अन्य युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस को घटनास्थल पर खून से सना चाकू और कांच के टुकड़े मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि इन्हीं से प्रेमा के शरीर पर चोट लगी है। इसके अलावा शराब की बोतल मिली है। प्रेमा भी ड्रिंक करने की आदी थी। पुलिस ने एफएसएल से भी जांच कराई है। एफएसएल भी पता करने में जुटी है कि प्रेमा ने खुदकुशी की है या फिर मर्डर हुआ है।